नमस्ते जी नमस्ते सर नमस्ते।, नमस्ते सभी को सर मैं अभी कुछ एक्सप्लोरेशन चल रहा था मेरा तो जो मन की एक्टिविटी है सेलेक्टिंग टेस्टिंग इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो इसका जो परस्परता में रोल और अपने आगे की क्रियाएं जो कंपेरिजन टेस्टिंग कंपेरिजन एनालिसिस और कंटेम्परेशन वगैरह तो थोड़ा सा उसको और मैं अच्छे से समझने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहा कि आप इस पे कुछ बात रखते हैं एक, बाहर से कैसे काम कर रहे हैं ये एक्टिविटीज और अंदर ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसे है इसका ऐसे इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे मुझे लगता है दो तीन सेशन के बाद इस पर थोड़ा तो डिटेल बात करेंगे मतलब काफी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा नहीं जी ठीक। तो उसका बेस वर्क जब हो जाएगा तो करेंगे लेकिन कुछ बातें मैं अभी आपको बता देता हूँ जो अभी अपने लिए इमीडिएट काम की होगी कि अगर सेल्फ और बॉडी को देखेंगे ना तो उसका जो इंट्रैक्शन करने का काम हो रहा है वो बेसिकली मन से हो रहा है तो दिस मन जो है इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल वेन इट कम्स टू इंट्रैक्टिंग इंट्रैक्शन ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल्फ विद द वर्ल्ड आउटसाइड इन जनरल तो उस दृष्टि से ये काफी सिग्निफिकेंट है है ना बाकी जो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं वो मन से जो इंटरेक्शन से इंफॉर्मेशन मिला है उस पर काम करती है तो बाकी एक्टिविटी ना तो बाहर से डायरेक्टली अभी इंटरेक्ट कर रही है इंक्लूडिंग बॉडी और ना ही उन पर सीधा सीधा कोई कंक्लूजन निकाल रही है वो सारा इंटरेक्शन जो है वो मन के द्वारा होता है और मन को देखेंगे तो दो एक्टिविटी मन में दिखाई पड़ती है एक को जिसको सेलेक्टिंग कहा चयन और दूसरे को कहा टेस्टिंग आश्वादन। आस्वादन तो दो काम मन कर रहा है तो एक तो बाहर से क्या लेना या देना है इसका निर्णय तो उसको सेलेक्टिंग कह रहे हैं। और फिर जो लेना या देना है उसका टेस्टिंग आस्वादन तो ये दोनों तरफ का निर्णय मन कर रहा है एक तो बाहर से क्या लेना या देना है उसका निर्णय और फिर उसका आस्वादन करने का निर्णय जो दे रहे हैं उसका जो ले रहे हैं उसका तो ये दोनों तरह के इंटरेक्शन मन के द्वारा हो रहे हैं अब ये मन का इंटरेक्शन जो है वो तीन बेसिस पर हो सकता है या दो बेसिस पर ब्रॉडली अगर देखेंगे तो एक तो ये बेसिस हो सकता है कि बाहर से जो सूचना आ रही है उसके आधार पर और दूसरा अंदर जो हमारा विचार में भाव में और ऊपर जाएंगे तो संस्कार में और ऊपर जाएंगे तो समझ में है ना वहां से जो तय हो रहा है तो ये जो बाहर की तरफ से इंट्रैक्शन को फोकस में रख रहे हैं तो ये परावर्तन का मोथिल है अंदर के इसमें रख रह रहे हैं तो वो प्रत्यावर्तन की बात है तो एक परावर्तन और एक प्रत्यावर्तन की बात है तो बाहर की तरफ से इंट्रेक्शन जो है वो परावर्तन है अंदर की तरफ जो हमारा इंटरक्शन है वो मन का प्रत्यावर्तन है इसको हम लोग डिटेल बात करेंगे आगे ना तो अभी उसको नहीं कर रहे जी जी सर। जी थीक, थीक सर ठीक ठीक बात है आगे तो, तो आइडिया है लेकिन वो ठीक बात है अभी के लिए तो हाँ क्योंकि अभी जो बेस है ना इसको तय करने का जी पहले वो बेस तैयार कर ले हम लोग तो आज जो हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो ये चर्चा करना चाहते हैं कि बेसिक जो हमारी फीलिंग है है ना फीलिंग विच इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस इज द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस तो उस, उस फीलिंग ना? के संदर्भ में पहले हमको अपने को स्थिर करना जरूरी है वहां उसको समझ लें उसको स्थिर कर लें, तो उसके बेसिस पर अब हम लोग आगे तय कर सकते हैं कि हमारे मन के साथ हम क्या काम करेंगे जब तक वो तय नहीं होता तब तक हम उसको उस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते जी जी सर ठीक बात तो इसलिए आज हम हाँ लोग उस पर चर्चा करेंगे शायद अगले सेशन में भी उसको कंटिन्यू करेंगे उसके अगले सेशन में फिर हम लोग ये जो हमारा कंपैरिजन का काम होता है जिसको हम व्यू कर रहे हैं ना दृष्टि उस पर बात करेंगे उसके बाद फिर लौट कर ये सिलेक्शन एंड टेस्टिंग पर आएंगे तो मे बी फोर्थ सेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जी सर जी ठीक बढ़िया ठीक है तो इसके साथ अब हम लोग चल सकते हैं आगे ठीक अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है उसको मैं एक बार ब्रीफली प्लेस कर देता हूं और फिर आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि चाहना के रूप में देखेंगे तो हम जीना चाहते हैं तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं निरंतर तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं और इसको सुनिश्चित करने के लिए सुविधा की जरूरत है संबंध की जरूरत है समझ की जरूरत है एक तो ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला और इसको बार बार हम लोग इसलिए ध्यान दिला दे रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारे विचार में आ गया है या हमारे भाव में भी आ गया है और गहराई में जाएंगे तो हमारे संस्कार में आ गया है और गहराई में जाएंगे तो हमारे समझ में आ गया है कि ये प्रायोरिटी है वास्तव में पहली प्रायोरिटी समझ की है ज्ञान की है उसके आधार पर संस्कारों के परिमार्जन की है दूसरी प्रायोरिटी संबंध में भाव को सुनिश्चित करने का और संबंध में भावपूर्वक जीने की है और तीसरी प्रायोरिटी जो है वो अपने आवश्यकता से अधिक सुविधा को सुनिश्चित करने की है तो ये तीन क्रम से चीज़ें होंगी ये हमको सिर्फ विचार में एक्सेप्ट हुआ है या हमारे भाव में आ गया है या और गहराई में देखें तो हमारे संस्कार में आ गया है और गहराई में देखें तो हमारे समझ में अनुभव में ज्ञान में आ गया है और इसलिए हमारा जीना इसी अर्थ में इसी प्रायोरिटी के साथ व्यवस्थित हो गया है तो ये आपको बार बार लगेगा कि इसको तो मुझे पता ही है बट ये पता कहाँ पर है वो देखने की बात है विचार में पता है भाव में पता है संस्कार में पता है या समझ और ज्ञान में पता हो गया और हमारा जीना इस अर्थ में हो गया है तो इस बात को हम अपने में समझ पाते हैं हमारे संस्कार उसके अर्थ में हो जाते हैं उसके अर्थ में हमारा भाव विचार चलने लगता है

जो है मानवीय चेतना के साथ जीना कहा है और ऐसी स्थिति में समाज के स्तर पर देखेंगे तो हमको ये चारों स्तर पर व्यवस्था दिखाई पड़ती है स्वयं में परिवार में समाज में और पूरे प्रकृति अस्तित्व में और उसके आधार पर हम मानव के साथ संबंध पूर्वक जी पाते हैं और शेष प्रकृति के साथ भी संबंध पूर्वक जीते हुए उभय समृद्धि को सुनिश्चित कर पाते हैं तो अल्टीमेटली देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है ये संक्रमण आवश्यक है ना ह्यूमन कॉन्शसनेस से ह्यूमन कॉन्शसनेस की तरफ इसी के लिए सारा शिक्षा संस्कार का काम है इसी के लिए ईएचवी का का काम सारा देखेंगे तो ऐसे शिक्षा संस्कार को सुनिश्चित करना जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हर टीचर में और हर बच्चे में सुनिश्चित है। हो नहीं हो रही है मुझे लगता है ठीक तो उस दृष्टि से अगर देखें तो अभी तक अस्तित्व को देखने जाएंगे तो पूरे अस्तित्व का होना इस रूप में दिखाई पड़ता है इसमें मानव के होने तक का काम हो गया है है ना उसके लिए हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा है अस्तित्व विधि से अस्तित्व का जो अस्तित्व के रूप में होना है और व्यक्त होना है उसके तहत प्रकृति का होना और प्रकृति में चारों अवस्थाओं का होना और उन चारों अवस्थाओं में मानव का भी होना यहाँ तक का काम हो गया है इन सब के साथ मानव के लिए जो करने का काम है वो अपने में एक तो सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने का है और वो सुनिश्चित हो जाए उस तो उसके आधार पर निश्चित मानवीय आचरण से जीने का है यही काम है जो हमको करना है और यही वास्तव में विकास है तो विकास का सही अर्थ देखेंगे डेवलपमेंट का सही अर्थ देखेंगे तो यही है कि हम में से एक एक और फिर हर एक जो है सही समझ सही भाव विचार से संपन्न हो जाए और परस्परता में सही आचरण से मानवीय आचरण से जी सके तो पहला जो काम है सारा वो तो हो गया है नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हाँ तो ये जो पीले वाला जितना एरिया है ये काम तो ऑलरेडी हो गया है ये जो लाल वाला एरिया है या जो वायलेट वाला एरिया है इस पार्ट को हमको करना है और इस काम को करने में जो सही शिक्षा संस्कार है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है और उसे के अर्थ में हम लोग सारा ह्यूमन वैल्यूज का प्रयास कर रहे हैं जी नेक्स्ट तो इस रोल को अगर पहचाने मानव के रोल को अगर पहचाने पूरे अस्तित्व में पूरे प्रकृति में तो ऐसा दिखता है कि पूरा अस्तित्व जो है वो स अस्तित्व व्यवस्था और संबंध पूर्वक है और ये है ही इसमें तो हमको कुछ नहीं करना ठीक हमारी जो सहस्वीकार्यता है वो सतित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में ही है तो सहस्तित्व व्यवस्था संबंध का भाव ही हमको सहज स्वीकार होता है अन्यथा भाव सहज स्वीकार नहीं होता तो दो बातें हैं एक तो अस्तित्व ही सहस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक है और हमको भी यही भाव सह स्वीकार होता है अन्यथा नहीं होता इसलिए इन दोनों के योगफल में देखते हैं तो हमारा जो रोल है इस पूरे अस्तित्व में वो इतना ही है कि मैं इस संस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझ जाऊं और संस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जी सकूं तो संस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझना और संस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीना इतना ही मानव का रोल है एक एक मानव का भी और हर मानव का भी तो इसको भी ठीक से देख लेना चाहिए थोड़ा पीछे चलेंगे एक स्लाइड पीछे तो इतना हम देख लें अपने में कि हमको ये समझ में आया है कि नहीं ये अस्तित्व सस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही है ये समझ में आया है कि नहीं और मैं सस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही जी रहा हूं कि नहीं और सस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीने जाएंगे तो उसका मतलब ये निकलेगा कि मेरा भाव विचार शैस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में चल रहा है कि नहीं मेरा व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी से व्यवस्था और संबंध के अर्थ में चल रहा है कि नहीं तो इसके एक एक एस्पेक्ट्स को हमको बहुत बारीकी से तार तार करके अपने में देखना है इस अर्थ में देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम अपना रोल इस अस्तित्व में जो हमारा रोल है उसको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो इसको अगर हम देख पाए समझ पाए इसके अर्थ में जी पाए है तो मेरे में जो होने वाली बात है नेक्स्ट चलते जी तो मेरे में जो होने वाली बात है ये जो ह्यूमन ऑर्डर के आगे पूरा ये मानवीयतापूर्ण आचरण का चित्र बना हुआ है तो मेरे जीने में ये सब चीजें दिखाई पड़ेंगी तो हर मानव अगर ऐसा जी सके तो पूरे अस्तित्व को जब देखते हैं तो अस्तित्व में अस्तित्व के अभिव्यक्त होने का जो क्रम है और जो मानव तक तो पहुंच ही गया है मानव अगर निश्चित आचरण से मान्यतापूर्ण आचरण से जिएगा तो ये अस्तित्व का जो अभिव्यक्ति है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जाकर पूरा होगा मानवीय परंपरा में जाकर पूरा होगा तो मानव के होने तक का प्रक्रिया जो है वो अस्तित्व में पूरा ही हो गया है और इसको देखेंगे तो ये नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट से भी ज़्यादा है लेकिन ये जो बचा हुआ पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट है वो मानव के द्वारा पूरा होना है और वो बहुत महत्वपूर्ण है उसको हमको पूरा करना है तो अल्टीमेटली पूरे अस्तित्व के अभिव्यक्ति का क्रम देखेंगे सार्वभौम व्यवस्था तक तो उसका मेजर भाग हो गया है लेकिन उसका एक जो छोटा भाग है है ना वो मानव के थ्रू पूरा होना है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और अंततः तत्व तो देखेंगे तो पूरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जी नेक्स्ट तो ये मान्यता पूर्ण आचरण की बात है और सारा जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात है टीम डेवलपमेंट की बात है सोसाइटल डेवलपमेंट की बात है उसको देखेंगे तो बेसिकली उसका मतलब यही निकलता है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो जाए हमारे में जो संभावना है फुल ह्यूमन पोटेंशियल की है ना वो हमारे में रियलाइज हो जाए और उसकी ठीक ठीक अभिव्यक्ति हो जाए एक्सप्रेशन हो जाए तो उससे एक मानवीय समाज एक सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा सुनिश्चित हो सकती है उसका विवरण देखेंगे तो ऐसा दिखता है जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है वापस चलते हैं एक मिनट जी तो ये जो मान्यतापूर्ण आचरण की बात है ये मानव के स्वयं में विकास और उसकी अभिव्यक्ति की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीने के संदर्भ में अगर देखेंगे तो तो इसकी एक एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आगे का बहुत सारी जो चर्चा होगी वो इसी के संदर्भ में होगी तो ये चित्रण आपके मानस में बिल्कुल बैठे रहना चाहिए है ना सामने ये चित्र बना हुआ हो या ना हो आपके मानस में होना जरूरी है क्योंकि इसके एक एक आस्पेक्ट पर हमको बहुत विस्तार से काम करना है बहुत कंडेंस है ये इसके एक एक आस्पेक्ट को फैलाएंगे तो बहुत सारा काम उसमें है जैसे अभी शर्मा जी पूछ रहे थे सेलेक्टिंग और टेस्टिंग की बात तो ये बहुत बड़ा काम है इसको पूरे को समझना और इसको अपने में सुनिश्चित करना इसके सारी संभावनाओं के साथ ये बहुत बड़ा काम है इसी तरह से एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग की बात करेंगे इमेजिंग की बात करेंगे कंटेम्पलेशन की बात करेंगे इसमें से एक एक चीज को जब हम फैला कर देखेंगे तो उसका बहुत सारा विस्तार हम समझ पाएंगे और उसको समझने और हमारे जीने में आने के दृष्टि से देखें तो उसकी बहुत सारे संभावनाएं हैं जिसको हमको अपने में देखना है जांचना है परखना है समझना है अपने संस्कार में लाना है अपने भाव विचार में लाना है ना अपने व्यवहार कार्य में और व्यवस्था में भागीदारी में लाना है तो उसकी एक लंबी यात्रा है तो उस सारे काम को हम लोग आगे करेंगे जी नेक्स्ट तो इसके साथ देखते हैं तो मा, जो मानव का लक्ष्य है ना एक इंडिविजुअल के लेवल पर देखेंगे तो क्या है और कलेक्टिवली समाज के लेवल पर पूरे राष्ट्र के लेवल पर पूरे विश्व के लेवल पर देखेंगे क्या है तो उसको हम लोग पहचान सकते हैं उस पर ऑलरेडी बात हुई है तो बहुत ब्रीफली देखेंगे तो व्यक्ति के स्तर पर अगर देखें तो मानवीय चेतना के साथ निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीना है ना व्यक्तिगत स्तर पर हमारा लक्ष्य है और इसको सुनिश्चित करने जाते हैं तो हमारे में जो एट्रीब्यूट्स दिखाई पड़ते हैं वो छह एट्रीब्यूट्स की बात हम लोग बहुत समय किए हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उन एट्रीब्यूट्स के साथ हम अपने पूरे ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं और अपने में निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी सकते हैं समाज के लेवल पर देखेंगे तो ये चार ह्यूमन गोल की बात बहुत विस्तार से किए हैं है ना तो उसके आधार पर एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी सुनिश्चित हो सकती है और आगे पूरे राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे तो ऐसे समाज में है ना खुद में हम हारमोनी में रह सकें नेशन के लेवल पर और दूसरे नेशन के साथ एक कंप्लीमेंटालिटी को पूरकता को सुनिश्चित कर सकें तो इतना काम है जिसको हम कर सकते हैं अगर ये मान्यतापूर्ण आचरण से जीने की बात हमको समझ में आ जाए और उसके अर्थ में हम जीने लगे तो जी तो इस सेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो तो टीम सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं पूरा एफर्ट को अगर देखेंगे ये मान्यता पूर्ण आचरण पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाने का है ना तो ये तीन स्टेप्स में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं एक तो सेल्फ डेवलपमेंट के लेवल पर फिर फैमिली और टीम डेवलपमेंट के लेवल पर और अंत तो सोसाइटल डेवलपमेंट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर और उसमें भी जो बात बार बार हम लोगों ने कही है कि वो तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच हम लोग उसमें लेने वाले हैं तो इस पर आगे बात होती रहेगी तो इतने बैकग्राउंड के साथ इस पर बात हम लोगों ने करना शुरू किया था कि अभी हम अपने जीने को देखें तो हमारा जीने का केंद्र कहाँ है तो यहाँ तक यहाँ तक अगर किसी की कोई प्रश्न है तो ले एक दो हाँ बस मुझे लगता है इसको मैं प्लेस कर देता हूँ फिर ठीक सर, पर प्रश्न लेते हैं ठीक तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे कि ये जो पहले जितनी भी बातें हुई हैं उसके एक आकलन के दृष्टि से अपना अगर इमीडिएट आकलन करना हो तो उसके दृष्टि से हम ये पूछ सकते हैं कि हमारा जीने का केंद्र कहाँ है तो इससे यह भी पता चलेगा कि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं या इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं मान्यतापूर्ण आचरण के साथ जीने की संभावना है या इन ह्यूमन ना कंडक्ट के साथ हम जी रहे हैं हमारा भाव विचार अस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में है या मेठा है हमारा संस्कार कैसा है हमारी समझ कैसी है ये सारी बातों को पूछने के दृष्टि से या अपने मूल्यांकन करने के दृष्टि से ये एक जो है प्रारूप हम लोगों ने बनाया था जिस पर हम लोग पिछले दो तीन सेशन से चर्चा कर रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे जीने का केंद्र कहाँ है तो इसमें छह पॉसिबिलिटी है और इसमें ये बात कही थी अगर हम सुविधा और शरीर के को ही केंद्र मानकर हम जी रहे हैं है ना तो हमारा जीना तो इनह्यूमन कॉन्शियसनेस अमानवीय चेतना के साथ ही जीना है अगर हम चार और तीन बी के स्तर पर जी रहे हैं तो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इतनी महत्वपूर्ण तो हो गई बात की एक भाव के बारे में हमारा कुछ ध्यान गया है है ना अपने में जो मैं शरीर से संवेदना को लेता हूँ उसकी तरफ ध्यान गया है तो एक लेवल की सूक्ष्मता बढ़ी है लेकिन जीने का स्तर तो अभी भी अमानवीयता वाला ही है इनह्यूमन वाला ही है इससे ऊपर जाते हैं थ्री ए की जगह टू सी की जगह टू बी की जगह टू ए की जगह है ना खास करके थ्री ए टू सी और टू बी तक तो हमारे में अभी परिमार्जन का काम शुरू हुआ है अपने में कुछ मानवीयता की तरफ ध्यान गया है मानवीयता की तरफ प्रयास शुरू हुआ है और अगर S3 से भी ऊपर हम जाते हैं 2A की जगह पर और अल्टीमेटली 2A की जगह पर रहते हुए 1 की जगह पर हमारा ध्यान जाता है और वो हमारे जीने का केंद्र हो जाता है तब वास्तव में हमारी चेतना का विकास हो रहा है और अगर हम पूरा एक की जगह पर फोकस हो में अनुभव के साथ दृष्टा हमारा जीने का केंद्र हो जाए तो वास्तव में हम मानवीय चेतना के साथ जीने का प्रक्रिया में आ गए तो ये सारा हम लोगों ने रखा था और इस पर फैलाना शुरू किया था हम लोगों ने तो यहाँ तक कोई प्रश्न है तो अभी हम लोग पहले ले सकते हैं फिर इसको आगे विस्तार करेंगे सर अजय का चार्ट में कहना है है, कि ये जो छह बिंदु है, इस छह बिंदु में जगह को निश्चित करना तो डिफिकल्ट जाता है हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा दिखता है okay. वही इसका दो मतलब हो सकता है इसका ये मतलब हो सकता है कि केंद्र तो हमारा कहीं एक जगह पर है इसमें से लेकिन जब हम जीने जाते हैं तो उस केंद्र से के साथ हम बाकी सब चीजों पर ध्यान देते ही हैं अगर ये उसका अर्थ है तब तो ठीक ही है क्योंकि जैसे हमारा जीने का केंद्र अगर एक नंबर पर होगा टू ए और वन ये हमारा जीने का केंद्र होगा तब भी हम बाकी सब चीजों पर तो ध्यान देंगे ही हम अपने संस्कार का परिमार्जन पर काम करेंगे ही है ना हमारा भाव विचार सही हो आशा सही हो इस पर काम करेंगे ही उसके साथ हम परस्परता में सही भाव से व्यक्त हो ना हमारा भाव सही हो परस्परता में और हम सही भाव से व्यक्त हो इस पर भी काम करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसके पोषण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बाहर से हम संवेदना का आदान शरीर से संवेदना का आदान प्रदान भी करेंगे ही शरीर को स्वस्थ रखने का भी ध्यान रखेंगे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है उसको पूरा करने की दृष्टि से सुविधा पर भी ध्यान रखेंगे प्रकृति के साथ पूरकता का निर्वाह करने में भी सुविधा का ध्यान रखेंगे तो हमारा काम तो हम सब जगह करेंगे लेकिन केंद्र कहाँ है हम स्वस्था की जगह पर रहते हुए अस्तित्व में अनुभव पूर्वक है ना दृष्टा की जगह पर केंद्रित रहते हुए ये सब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है वो तो है लेकिन अगर इसका मतलब यह है कि वो केंद्र हमारा रहता नहीं है हम उस केंद्र से से ही हट हट जाते तो की जगह गए संस्कार की जगह पर आ गए और घट उससे नीचे आ गए विचार भाव की जगह पर आ गए विचार की जगह पर आ गए आशा की जगह पर आ गए वही हमारा जीने का केंद्र हो गया और फिर सेल्फ का कुछ अता पता भी नहीं है उन क्रियाओं का भी अता पता नहीं है हम तो संवेदना में ही लगे हैं या और नीचे आके शरीर में लगे हैं और नीचे आकर सुविधा में ही लगे हैं अभी बहुत लोगों को देखेंगे तो पूरी जिंदगी सुविधा के लिए ही अर्पित कर देते हैं अपने शरीर को अपनी संवेदना को अपने भाव को विचार को सबको दृष्टा का तो कुछ अता पता ही नहीं रहता है तो अगर अजय जी कह रहे हैं कि इन सब जगह पर थोड़ा थोड़ा होता है तो उसका मतलब क्या है वो हमको स्पष्ट होना जरूरी है कि केंद्र ही इन जगहों पे शिफ्ट हो जा रहा है या केंद्र तो एक और दो ए में है वहां रहते हुए इन सब जगहों पे भी हम काम कर रहे हैं तो बताइए अजय जी क्या मतलब है आपका जी सर अजय भैया चार्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे या उनका हाथ भी खराब हो गया अजय भैया बता सकते हैं नमस्ते भैया ये मतलब इसमें जो अपने आप को केंद्र आ, मतलब छह जगह से जीना कहाँ हो रहा है फिर कहाँ हम लोग मतलब वहीं पे हमारी गति जैसे हो रही है नीचे से ऊपर तक तो हम अपने आप को इसमें जब देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ फिर एग्जैक्टली exactly, अभी आपने जो बताया कि वो हाइपोथेटिकली हमको शुद्ध दृष्टा की जगह से सब इन केंद्रों को देखना है वो काबिलियत क्रिएट करना है उसके लिए फिर ये अभी सभी चीज़ें हम कर रहे हैं पर जैसे कि आ, आ, हम मॉर्निंग सेशन करते हैं या फिर आ, ये समझते हैं शुद्ध दृष्टा के हिसाब से फिर हम क्या करते कि हम एक कंडीशन कर लेते अपने आप को कि नहीं अभी यहाँ हम यहाँ तक आए हैं अभी इतना समय मुझे देना है इतना कॉलेज के लिए देना है इतना समझना है इतना करना है कि वहाँ रु, रुकावट आ जाती है मतलब फिर ये छो जगहों पे अपने आप को देखते वक्त ये समझ में आता है कि हर जगह में थोड़ा थोड़ा हो वो किसी जगह पे सिक्सटी परसेंट दिखता हो किसी जगह पे फिफ्टी परसेंट दिखता हो या वो ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा 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 कम भी हो रहा है हर जगह में वो दिखना शुरू हो गया करके बट वो जो अभी प्रेसिडेंट जी दीदी ने भी बताया कि आपने जो बताई है बात कि हर क्षण उसको मतलब कि उसको देखते रहने की काबिलियत क्रिएट करना है वो केंद्र आप मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि केंद्र मतलब ये है कि हमारा वो हमारे मन में वो बात समझा रहे कि सूर्य दुष्टा का ही भाव बना रहे फिर वो हम लोग गति कर पाएंगे फिर तो ये तो मैं मेरे लिए बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं ये छह पॉइंट में से कहा हूँ ये हर जगह में थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा कम ज्यादा मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ जी देखिए अभ्यास एक और अभ्यास दो को अगर ठीक से समझेंगे ना तो बार बार क्या कहा जा रहा है बार बार ये कहा जा रहा है कि हर क्षण हम होश में हैं कि नहीं हर क्षण हम दृष्टा की जगह पर हैं कि नहीं हर क्षण दृष्टा की जगह पर रहते हुए बाकी जो भी क्रियाएं हो रही हैं है ना संस्कार में जो भी चल रहा है भाव विचार में जो भी चल रहा है कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसको हम देख पा रहे हैं कि नहीं उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि नहीं है ना उसका परिमार्जन हो रहा है कि नहीं तो ये सब जगह पर काम हो रहा है लेकिन हम कहाँ पर हैं तो हम दृष्टा की जगह पर हैं ये स्थिति है कि नहीं पूरा अभ्यास एक को देखेंगे और फिर आगे अभ्यास दो को भी देखेंगे तो उसका मुख्य मुद्दा तो यही है ना स्टेप वन में ही उसकी बात हो रही है तो जब हम कह रहे हैं कि हर क्षण होश में बने रहना और हर क्षण अपने नीचे के जो भी क्रियाएं हैं कल्पनाशीलता है संस्कार है उसको देखना उसका मूल्यांकन करना बिना कोई प्रतिक्रिया के ये देखना होश में रहना देखना और प्रतिक्रिया ना करना ये तभी संभव है जब हम दृष्टा के जगह पर हैं तो हम दृष्टा के जगह पर हैं कि नहीं उसके साथ बाकी कुछ कर रहे हैं बढ़िया और ये हो सकता है कि नहीं जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया हाइपोथेटिकल ऐसा भी हम हाँ। मानते हैं कि हाइपोथेटिकल है धीरे धीरे समझ में गया कि यही प्रैक्टिकल है बाकी सब हाइपोथेटिकल है व्यर्थ में हम अपनी ऊर्जा है ना इतनी लगाए जा रहे हैं और निकलता कुछ नहीं है यही सबसे प्रैक्टिकल चीज है कि हर क्षण हम होश में बने रहें होश में बने रहते हुए है ना हम अपने नीचे के संस्कार को भाव विचार को सब को देखते रहें उनका मॉनिटर करते रहें उनका परिमार्जन होता रहे है ना तो हम बहुत सारे बाहर चीजें करेंगे नीचे की क्रियाओं में बहुत कुछ करेंगे लेकिन दृष्टा की जगह पर बने रहते हुए है ना और बिना कोई प्रतिक्रिया के साथ हम जी रहे होते हैं तो हम तो हमेशा अपने में हर क्षण सुखी रहते हैं हमारे सुख की गारंटी है निरंतर सुख की गारंटी है इससे ज्यादा और प्रैक्टिकल क्या चीज हो सकती और जब से आपने अभ्यास दो एक और दो पे काम शुरू किया होगा तब से आपको क्या लगता है कि ये की जगह पर बने रहना और उसके आधार पर अपने भाव विचार को देखना उसका परिमार्जन होना ये सब काम हो रहा है कि नहीं और उससे आपका सुख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी, जी. बढ़ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है इसलिए मैंने बोला है भी है कि वहां अभी हर क्षण वहां से देखना नहीं होता है, जैसे फिर हम सोच लेते हैं वो वो पोजीशन में पता चल गई है वहां से देखने की अभी थोड़ी सी ग्लिप्स दिखने लगे हैं तो भी पता चल जाता है ये हो गया है फिर हम अपने आप को पोजीशन करके उस तरह की व्यवस्थाएं बना लेते हैं कार्यक्रम बना लेते हैं जीना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें बहने लग जाते हैं फिर ध्यान में आता है कभी अरे फिर तो वो तब तक इसलिए वो तब मतलब वो इसलिए हाइपोथेटिकल शब्द आ गया मेरे इसमें अब तो वो दिखा नहीं है इसलिए तो वो यही इसलिए हुआ है ऐसा नहीं मैं तो जान बुझ कर उसको मैंने नोटिस नोट में लाया लगाया कि बहुत सारी चीजें हम सब कॉन्शियसली कर रहे होते हैं क्योंकि ये संस्कार में होता है हमारे हमारा संस्कार है ये कि हम मानते हैं कि ये तो बहुत हाइपोथेटिकल है है ना अभी तो क्या है कि भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे है ना आ, और आ, बहुत सुविधा के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तब जाकर कुछ सुविधा मिलेगी सुविधा को फिर भोगेंगे उससे कुछ सुख मिलेगा वो भी हमेशा तो हो नहीं सकता अभी इसी को प्रैक्टिकल मानते हैं ना ठीक अभी हम लोग जो कह रहे हैं पहले बात ये दृष्टा की जगह पर रहना और वहां से देखना और उसका मूल्यांकन करना इतने से ही सुख मिल जाएगा ये अभी तो बहुत हाइपोथेटिकल लगता ही है क्योंकि वही हमारे संस्कार का वैल्युएशन है भी। तो इसलिए मैंने ध्यान दिला दिया कि जाने अनजाने इस तरह से हमारा संस्कार काम करता रहता है हमारे ऊपर तो हमको वो सब ध्यान में रहना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो यही प्रैक्टिकल है कि टू ए और वन इस जगह पर हमारा धीरे धीरे होना स्थिर हो जाए जो थोड़ा थोड़ा होने लगा अभी ठीक है जो प्रयास है वो तो सिक्स में रहने का है ज्यादातर आज के अगर समाज को देखें पूरे सिविलाइजेशन को देखें मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसको कह रहे हैं उसका तो सारा फोकस सिक्स पर ही है कि नहीं जी छल कपट भाट पाखंड जो भी करना हो सब करके सुविधा इकट्ठा करना है कि नहीं? नहीं शरीर स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे हमको सुविधा इकट्ठा करना है इतना ही है पूरा सार अभी का का कुछ लोगों का ध्यान शरीर पर जाता है कुछ लोग अपना समय निकालते हैं कि चलो इतना कमाए तो भोग लें थोड़ा संवेदनाएं पा कुछ लोगों का ध्यान नाम कमाने पर जाता है तो दूसरे से भाव पाने पर जाता है ठीक है ना इससे ऊपर तो जाता नहीं है अभी का पूरे सिविलाइजेशन को देखेंगे इतना साल आपने पढ़ाया, 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 पढ़ाया साल आपने पढ़ाई की है ना इतने पढ़ाया से ऊपर कुछ जाता नहीं है आ, मेरे को अपना भाव सही करना है इस पर भी ध्यान नहीं जाता अपने को देखना है मैं भी कोई चीज हूँ जो शरीर से भिन्न हूँ है ना और उसमें चीजें ठीक होनी है उसको सुखी होना है शरीर तो एक साधन की तरह है सुविधा तो और उससे दूर की चीज है और साधन है ये सब पर कहाँ ध्यान जाता है, है कि नहीं तो अब धीरे धीरे ये गति हो सकती है ये एक अच्छी बात क्या है कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हम वहाँ जा सकते हैं वहाँ केंद्रित रह सकते हैं वहाँ केंद्रित रहते हुए नीचे की जगह पर भी काम कर सकते हैं और जितना जितना इस पर काम करते हैं उतना उतना हमको आराम मिलता है इसीलिए मैंने पूछा कि कितने लोग मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं कितने लोग एक्सरसाइज वन एंड टू पर काम कर रहे हैं क्योंकि इस पर काम नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा इसलिए हम लोगों का रिकमेंडेशन सभी के लिए ये है कि जो भी इस यू के काम में लगे हैं उनको मॉर्निंग सेशन तो ज्वाइन कर लेना चाहिए एक्सरसाइज वन और टू पर तो काम शुरू कर ही देना चाहिए क्योंकि उससे ये सब बातें समझ में आएंगी अन्यथा ऐसा ही लगता रहेगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है ना कोई आदर्श की बात है कोई हाइपोथेटिकल बात है अच्छी बात लगती है लेकिन हम प्रैक्टिकली तो इसको कर नहीं सकते ना वो भरोसा ही नहीं आता है जब तक कि आप अभ्यास करके अपने में वो परिमार्जन को महसूस ना करने लग जाए ठीक है कि नहीं जी, जी। हाँ एक प्रश्न और ले, ले लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे जी 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 तो मेरी आवाज मिल रही है जी बताइए जी प्रणाम सर और सभी को नमस्ते प्रणाम तो दो शब्द मैं इस समय रख रहा हूं और उनकी वास्तविकताओं का पे ध्यान आप दिलाएं ये मेरा निवेदन है वो दो शब्द कौन से हैं एक चेतना का विकास और दूसरा चेतना का ऊपर उठ जाना ये इस, इस अर्थ में रख दे रहा हूँ थोड़ा इसको और मैं रख देता हूँ कि जब हम सही के अर्थ में भागीदारी कर रहे होते हैं और थोड़ा उदाहरण के रूप में लें जब हम वर्कशॉप का हिस्सा हो रहे होते हैं या इस समय जैसे हम सभी लोग आपको जब सुन रहे होते हैं तो दिखता है कि कलेक्टिवली सबकी चेतना का एक स्तर उठा रहता है चूंकि बार बार ये बात होती है वर्कशॉप ने भी किस स्वीकृति को देखे और रेफर कर रहे होते हैं तो चेतना का एक स्तर उठा रहता है वहीं दूसरी तरफ चेतना का विकास होना है और जैसा कि हम सब देख पाए हैं कि विकास का तो मतलब है लीनियर इक्वेशन सीधे ऊपर की तरफ बढ़ना और थोड़ा तक तक मैं देख पाता हूं, जब तक संस्कारों का परिमार्जन नहीं होगा तब तक चेतना का सही अर्थों में मुझे लगता है कि विकास नहीं होगा तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टू एक कि में बने नहीं रहेंगे तब तक चेतना सामयिक रूप से ऊपर उठ उठी तो रहेगी लेकिन चेतना का विकास नहीं हो पाएगा और वो साइक्लिक रूप से जब हम लोग वर्कशॉप से हट जाते हैं या इस तरह के जैसे ये सेशन में ऐसा जब सेशन होता है वहां से ले जाते हैं तो फिर दिखता है कि फिर आकर के समाज में मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही वापस लौट आते हैं लेकिन कुछ तो जरूर लौट आते हैं जैसे थर्मामीटर का टेम्परेचर ऊपर उठना और फिर धीरे 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 नीचे की तरफ आना तो इस अर्थ में मैं चाहता हूं कि आप चेतना का विकास होना जो मुझे अभी टू ए से नीचे नहीं दिख रहा है इवन हम अगर टू सी और टू बी में भी चले जाएं तो वो चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर उठ सकता है लेकिन ये विकास नहीं कहलाएगा जिस पर इस पे जी वो ठीक बात है जो आप कह रहे हैं मुख्य बात क्या है कि पूरे शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया को देखेंगे तो यही है कि शिक्षा संस्कार में हमारा ध्यान दिलाया जाता है सही की तरफ तो वो जो पूरे स्टेप्स बताए ना अनुसरण अनुकरण अनुशासन स्वअनुशासन तो अभी जो हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं तो ये हो रहा है कि हम में से कुछ लोग अनुसरण की जगह पर काम करते हैं कुछ लोग अनुकरण की जगह पर काम करते हैं कुछ लोग अनुशासन की जगह पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग स्व अनुशासन की जगह पर पहुंच पा रहे हैं तो जो आपके लिए वातावरण बनाया जा रहा है वो तो एक जैसा बनाया जा रहा है लेकिन आपका चेतना का विकास कितना हुआ है उसके आधार पर ध्यान तो आपका जा रहा है लेकिन जो कहा जा रहा है उसका अनुसरण करने लगे आप या उसको कुछ समझने का प्रयास किए और समझ के उसको करने का प्रयास कर रहे हैं या आप उसके मूलभूत नियम को समझ रहे हैं का प्रयास कर रहे हैं या उसको मानकर उसके आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं या अल्टीमेटली पूरे जो नियम है उसको आपने अपने में देख लिया समझ लिया उसके अर्थ में अब हम जीने का प्रयास कर रहे हैं तो ये है अनुसरण अनुकरण अनुशासन और स्व अनुशासन की बात अल्टीमेटली चाह तो हम लोग यही रहे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए उनका समझ ना, का काम पूरा हो जाए उसके अर्थ में उनका भाव विचार बनने लगे उसके अर्थ में उनका व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी ठीक होने लगे तो ये चेतना का विकास हुआ है ना वो काम फिर से हो गया अभी अन्यथा क्या है हम लोग प्रोसेस में है दोनों ही इम्पोर्टेंट है शिक्षा संस्कार के रूप में देखेंगे तो दोनों इम्पोर्टेंट है ये जो प्रोसेस में हम हैं ये भी महत्वपूर्ण है हमको उपलब्धि हो गई ये भी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस बात को कई बार कहता हूँ कि जब भी आपके साथ मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे यह तय करना पड़ता है कि मुझे आपके लिए कार्यक्रम बनाना है या आपके साथ कार्यक्रम बनाना तो अगर हम आप प्रोसेस में हैं किसी चीज के तो उसके संदर्भ में जब भी मैं कार्यक्रम बनाऊंगा तो मैं आपके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा अगर उस प्रोसेस का एक कंप्लीशन पॉइंट कहीं पहुंच गया है तो उसको लेकर जब भी मैं कार्यक्रम बनाऊंगा तो आपके साथ कार्यक्रम बनाऊंगा तो जैसे अभी भी देखेंगे तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है वो इसी अर्थ में हो रही है है ना कि हम लोग टीम डेवलपमेंट के थ्रू सोसाइटल डेवलपमेंट पर काम करने वाले है ना जिम्मेदारी महसूस करने वाले लोग हैं लेकिन हम सब एक दूसरे के चेतना के विकास में सहयोगी हो सकें है ना उसके लिए जो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया है उसको परस्परता में हम लोग उपलब्ध करा सकें उसको फैसिलिटेट कर सकें उसके दृष्टि से ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है है कि नहीं दे, दे। तो एक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे आपको सही के लिए प्रेरणा मिले लेकिन धीरे धीरे आप उस पर काम करते हुए सही जो है वो आपका स्वत्व तो बन जाए वो आपका स्वभाव बन जाए वो परस्परता के प्रभाव से मिलने वाली प्रेरणा ना रहे ठीक है कि नहीं वो आपको दिख जाए आपको स्वीकार हो जाए आपका स्वभाव बन जाए तो आपके चेतना का विकास हुआ वो नहीं बना है जब तक तो प्रभाव में आपको सही स्वीकार होता ही है उसकी प्रेरणा आपको मिलती ही है उसके लिए आप काम करते ही हैं तो आप उसके प्रोसेस में जी तो इसका मतलब एक प्रेरणा जो मेरे लिए मेरे चेतना को ऊपर उठाती है जी उसके प्रति और निर्वक मैं जब अपने आप पे काम करता हूँ तो सही अर्थों में मैं चेतना का विकास कर पाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल और ये दोनों ही पर, प्रोसेस महत्वपूर्ण है मैं कहूँगा कि जो वातावरण बनाया जा रहा है आपके लिए वो भी महत्वपूर्ण है और आप उस पर काम करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है इन दोनों के योगफल में प्रेरणा पूर्वक चेतना का विकास होता है यहाँ पे तो सर एक चीज बहुत छोटा सा मैं रखना चाह रहा था इसको पूरा कर देता हूँ जी, जी, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है देखिये हम लोग एक मतलब बहुत अच्छी बात यह हुई है पूरे ग्रुप के साथ कि हम सब लोग अपने विकास के लिए भी काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए वातावरण भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनका भी विकास हो है ना तो ये जो एक दूसरे को नर्चर करने का है ना हैंड होल्डिंग करने का जो एक कई सारे प्रोसेस हम लोगों ने स्टेप्स डेवलप किए हैं वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हो गई है जिससे क्रम से है ना जो बात पहली बार सुन रहे हैं वहाँ से लेकर ना जो लोग उसमें ध्यान दे रहे हैं काम कर रहे हैं भागीदारी कर रहे हैं उन सब का कैसे क्रम से विकास हो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं और उसको चला पा रहे हैं और उससे ये सब विकास का काम हो रहा है उसको और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है और ज्यादा इंटेंस करने की जरूरत है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग तो वो अच्छी बात है कि सब हम लोग खुद भी गति कर रहे हैं और एक दूसरे के गति में सहयोगी भी हो रहे हैं जी जी मेरा प्रश्न ये था कि जो कोई भी प्रस्ताव जैसे अभी आप दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं वो मुझे प्रभावित करता है या वो मेरे लिए प्रेरणादायक है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्रस्ताव के प्रति केवल मेरा स्वागत भाव है या उस प्रस्ताव के प्रति मेरे में तीव्र इच्छा उत्कंठा जग गई है अपने आप में करने के वही ये कुछ इस तरह से हाँ तो ये मतलब देखिए अभी हम लोग उसके लिए भी थोड़ा प्रयास तो कर रहे हैं और वो हम सबको करना ही चाहिए कि स्वागत भाव के साथ हमको उस पर काम करना वो हमारा स्वत हो जाए इसके लिए काम करने का जिम्मेदारी हमारा है ये स्वीकृति तो चाहिए ही और इसलिए उस पर काम करना जरूरी है इनफैक्ट ये पूरे अभ्यास की बात भी वहीं से शुरू हुई अभ्यास एक और दो की क्योंकि जब काम शुरू हुआ और लोग उस पर विचार के लेवल पर काम कर रहे थे तो बहुत लोगों को ये कठिनाई हुई कि भाई कुछ हो तो रहा नहीं है ठीक तो लगती है बात बट होता नहीं है सब्सटेंशियली अपने में कुछ नहीं हो रहा है कोई ऐसा पर स्थिर बदलाव नहीं हो रहा है उसी स्ट्रगल से धीरे धीरे अभ्यास एक और दो की बात शुरू हुई थी है ना फिर तो धीरे धीरे सब लोगों ने संयुक्त रूप से उसको डेवलप किया और अभी आज के दिन कम से कम ये बात हम लोग कह सकते हैं कि 2000 लोग करीब इससे गुजरे हैं और उस सभी का एक्सपीरियंस ये है कि डिग्री में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये बदलाव हो सकता है हम अपने में काम कर सकते हैं और हम काम करते हैं तो हमारे में बदलाव होता है अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला कि जिसमें कोई बदलाव ना हुआ हो कि सिर्फ हम प्रभाव में ही हमको ठीक लगता है हम सुन लेते हैं अपने अच्छा रहता है बाद में हम अपने पर काम करते हैं तो भी अपने में कोई बदलाव नहीं होता ऐसा मुझे तो नहीं मिला है आपको किसी को मिला होगा तो बताइए उनके साथ और बात करेंगे हम लोग तो ये हो सकता है संभावना है उसकी प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं जी थैंक यू सर जी नमस्ते ठीक है इतने के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ एक दो बातें अभी मैं ध्यान दिला देता हूँ जिस पर आप अगले महीने तक काम कर सकते हैं है ना जिस पर आगे फिर और बात करेंगे हम लोग जी तो इस पूरी प्रक्रिया के साथ अगर देखते हैं हम लोग ये जो ये मूल्यांकन के साथ कि हमारा जीने का केंद्र कहाँ है तो एक प्रश्न ये है कि क्या हमारा सुख अभी भी हमको लगता है कि बाहर से कुछ पाने वाली चीज है ना एक प्रभाव है सुख या ये स्वभाव है कहा क्या हमारा हुआ है ध्यान गया है तो ये कह रहे हैं कि थ्री ए से नीचे जब हैं आप तब तो यही है कि बाहर से ही कुछ अनुकूलता पाके हम सुखी होंगे थ्री ए और उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने पर काम करना शुरू किए हैं है ना अपने को जिम्मेदार मानना शुरू किए हैं सुख हमारा स्वभाव है इसका एक अनुमान बना है और आप ऊपर अपने पर काम कर रहे हैं और क्रम से ऊपर जा रहे हैं जी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग राइट right. इसका बहुत सारा डिटेल दिया गया है पिछली बार हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि सिक्स में होने का क्या मतलब है पांच में चार में होने का क्या मतलब है इसी तरह से तीन दो और एक में होने का क्या मतलब है, है ना तो इसमें मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा लेकिन तीन ए के बारे थोड़ा बात शुरू करते हैं तीन ए का है ना? ये जो तीन ए है इसमें देखेंगे तो हमारा फोकस तो रिलेशनशिप पर है ठीक है ना परस्परता पर है लेकिन हमारे ये ध्यान गया है कि इस परस्परता में भी मेरा भाव क्या है ये महत्वपूर्ण है The feeling within, feeling from outside, जो थ्री बी में चल रहा था अभी उससे ऊपर उठकर मेरे में क्या भाव है इस संबंध में वो महत्वपूर्ण हो गया है तो हियर ऑल्सो माई रिफोकस इज ऑन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग I am aware of my feeling in relationship, trying to make sure that the feeling I have is naturally acceptable to me. तो ये जो सवाल हम पूछना शुरू किए कि मेरे में जो भाव है वो भाव मेरे को सहज स्वीकार है कि नहीं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं ये पूछना या दूसरी तरफ से देखें तो कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार है ये पूछना इक्विवेलेंट प्रश्न है तो ये जो तो कंटेम्पलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं और आगे उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे वो तो कंटेपलेशन का मतलब क्या है अगर करने जाएंगे अभी प्रैक्टिकली तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपने से पूछना शुरू करें कि कौन सा भाव मेरे लिए सहज स्वीकार है या किसी एक भाव को लेकर पूछें कि ये भाव हमको स्वीकार है कि नहीं ये पूछना अपने आप में महत्वपूर्ण है पूछना और उसका उत्तर अपने में पाना तो उत्तर तो हमको मिल ही जाता है जब हम प्रश्न पूछते हैं क्योंकि दृष्टा की जगह से देखेंगे तो उत्तर हमको उपलब्ध है तो इसलिए जब हम पूछते हैं कि संबंध का भाव हमको स्वीकार है कि विरोध का भाव तो उसका उत्तर हमको मिलता ही है तो आपने सब करके देखा ही है कि संबंध का भाव हमको सहस्वी है विरोध का भाव हमको सहस्वीकार नहीं है इसको ठीक से देखेंगे तो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि संबंध का भाव मेरा स्वभाव है विरोध का भाव हमारा स्वभाव नहीं है तो ये जो स्वभाव को देखने के रूप में पहचान रहे थे अपने भागीदारी को देखने के रूप में पहचानने की जो बात है उसको कंटेम्पलेशन कहा था वो कंटेम्पलेशन का काम यहाँ शुरू हो जाता है तो इसीलिए यह सवाल पूछा है इज दिस दी बिगनिंग ऑफ अवेकनिंग टू दी एक्टिविटी ऑफ कंटेम्पलेशन तो ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हमको सह है या ये भाव हमको सह है कि नहीं ये सवाल पूछना और दृष्टा की जगह से उसका उत्तर हमको मिलना है ना क्या यही जो काम हो रहा है ये अपने चिंतन का जागृत होने का कंटेप्लेशन की एक्टिविटी का न, अवेकनिंग का काम तो नहीं है इसको अभी हम लोग प्रश्न के रूप में छोड़कर रख रहे हैं ठीक है ना ये बात कहना कि ये जो हमको अपना सहज भाव क्या है दिख जाता है स्वभाव क्या है ये दिख जाता है यही चिंतन है यही कंटेप्लेशन है एक ढंग है कि हम कहें कि हाँ यही है ऐसा दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि यही चिंतन है यही कंटेंप्लेशन है तो इसको जांचने का काम हम लोग थ्री ए जगह पर अगर काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं देख सकते हैं इसको फिर एक बार ये हमको दिख गया कि यही भाव हमको सह स्वीकार है तो फिर आगे का काम जो होगा कि हम इस बात के का विचार करेंगे कि इस भाव के साथ हमको कैसे परस्परता में व्यक्त होना है और एक बार वो तय हो गया तो हम उसको परस्परता में व्यक्त करेंगे तो ये मुख्य बात है कि हमारा भाव क्या है इस पर ध्यान जाना वो भाव हमको स्वीकार है कि नहीं इस पर ध्यान जाना उस भाव के साथ हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं इस पर ध्यान जाना है ना और इस आधार पर हमारा अपने भाव को देखने का और उसको परिमार्जन करने का, का काम होना ये महत्वपूर्ण है ये थ्री ए में हम लोग शुरू कर पाते हैं और एक्सरसाइज वन और टू को देखेंगे तो उसमें इस काम को हम लोग विधिवत कर रहे हैं है ना स्टेप एक्सरसाइज वन के स्टेप टू में थ्री में इस काम को कर रहे हैं हम लोग वन टू थ्री तीनों को लेकर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा जी नेक्स्ट नेक्स्ट में जा सकते हैं जी टू सी का तो ठीक ही है है ना टू बी में अगर देखेंगे आप तो फोकस ऑन माय संस्कार माय प्री कंडीशनिंग माय एजम्शन माय एक्सेप्टेंस तो ये जो मेरे में संस्कार है पहले तो कल्पनाशीलता को देख रहे हैं भाव विचार को देख रहे हैं उसकी जांच परख कर रहे हैं टू बी में देखेंगे तो हम अपने संस्कार को देखने का काम सीधा सीधा कर रहे हैं ठीक है ना तो जैसे जैसे हमारी सूक्ष्मता बढ़ती है जब आप कल्पनाशीलता को देखना शुरू करते हैं तो शुरू में तो बहुत लोगों को भाव दिखता नहीं है आशा ही दिखती है फिर ध्यान देते हैं तो विचार दिखने लगता है जो आशा से सूक्ष्म है और ध्यान देते हैं काम करते हैं तो हमको धीरे धीरे अपना भाव दिखने लगता है और जब स्टेप फोर में ये पूछते हैं कि ये भाव को तय किसने किया तो पता लगता है कि अंत तो, तो हमने ही तय किया और ये जो हमने तय किया उसका आधार क्या है इसको पहचानने जाते हैं तो या तो हमारा संस्कार है हमारी मान्यता है जिसके आधार पर हम तय कर रहे हैं या हमारी समझ है तो अल्टीमेटली जो भी हमारी स्वीकृति है वो मान्यता पर आधारित हो या समझ पर आधारित हो उसी के आधार पर हमारे भाव का निर्णय हो रहा है तो फिर संस्कार पर ध्यान जाता है संस्कार को जांचने का काम शुरू होता है और वहाँ से फिर यह समझ वाला मुद्दा वहाँ पर है न्यान में आता है तो आई एम अवेयर ऑफ माई संस्कार आई कैन डायरेक्टली सी इट माई फीलिंग इज बेस्ड ऑन माई संस्कार माई संस्कार कुड भी बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग और अदरवाइज आई एम फोकस्ड ऑन प्योरिफाइंग माई संस्कार आई वेल्यूएड वेदर इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप हारमेनियन को एग्जिटेंस और नॉट

इस अर्थ में है तो हमारा संस्कार सही है इस अर्थ में नहीं है तो संस्कार गलत है तो एक काम तो ये हो सकता है दूसरा काम ये हो सकता है कि हम दृष्टा की जगह से ज्ञान पूर्वक संबंध को व्यवस्था को अस्तित्व को समझने का काम करते हैं और उसी के अर्थ में फिर हमारा संस्कार बन जाता है तो ये दो तरह से हम संस्कार को ठीक करने का काम कर रहे हैं एक तो सहस्वीकारिता के आधार पर देखकर उसको सुनिश्चित करना दूसरा समझ के आधार पर है ना ज्ञान के आधार पर अनुभव के आधार पर सहस्तित्व व्यवस्था संबंध को देख पाना और उसके अर्थ में फिर अपने संस्कारों को बना लेना तो ये जो बात है ना कि हमको हमारे स्वीकृति में हमारे है ना एक्सेप्टेंस में हमारे संस्कार में संबंध व्यवस्था से अस्तित्व आ गया यही होने का व्यवस्था है यही होने का ढंग है ये दिख जाना है ना यही समझने का मतलब है क्या सो इस बिगनिंग ऑफ अवेकनिंग टू द एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो समझने का मुद्दा बोध का मुद्दा क्या है कि हमको दिख जाए कि अस्तित्व के होने का ढंग अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक ही है और वो हमको स्वीकृत हो जाए हमारे संस्कार में आ जाए यही बोध का मतलब है तो जो पहले हम लोगों ने कंटेम्पलेशन की बात की थी जिसमें व्यवस्था में भागीदारी की या संबंध की या स्वभाव की बात थी यहाँ पर उसके होने की जो व्यवस्था है उसका जो धर्म है उसको देखने की बात है वो हमको दिख जाए और वो हमको स्वीकार हो जाए वही मेरा संस्कार बन जाए ये काम टू बी में हम लोग करेंगे तो इसको भी ठीक से देख लिया जाए और उससे और ऊपर जाते हैं तो टू ए की जगह पर प्योर ऑब्जर्वर की जो बात है वहां रहते हुए जब हम देख रहे होते हैं तो आई एम सेंटर्ड एट दियोर ऑब्जर्वर आई एम अवेयर ऑफ माई नेचुरल एक्सेप्टेंस आई एम ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज ऑफ एंड सेम विदाउट रिएक्टिंग लीडिंग टू देयर प्यिफिकेशन ये एक बात हुआ है ना इसके साथ जब हम वन में जाते हैं ठीक है न और वन में जाकर टू ए की जगह पर तो केंद्रित है ही ऑब्जर्वर की जगह और अब हम सस्तित्व पर ध्यान दे रहे हैं स्पेस पर ध्यान दे रहे हैं स्पेस के सस्तित्व में प्योर ऑब्जर्वर के होने पर ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ जाकर हम ये देख पाते हैं कि मेरा होना दृष्टा का होना व्यापक के सस्तित्व में बना हुआ है और व्यापक के सस्तित्व में ही हम जो है संप्रक्त भी हैं और संतृप्त भी हैं so so I I I so I am 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 in 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 coexistence in space I am submerged in space space submerged and I am also fulfilled in space. जिस पर आगे बात करेंगे आज तो अपने पास बहुत टाइम नहीं है पहले थोड़ी बात किया था उसको अगली बार कर लेंगे तो ये जो दिखना है कि मैं दृष्टा का होना व्यापक के अस्तित्व में है और व्यापक के अस्तित्व में हम संप्रिक्त हैं और मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं इस अर्थ में संतृप्त हैं ये जो देख पाना है वो हमारे अनुभव का बिगनिंग है तो अपने लिए देख पाना व्यापक के अस्तित्व में होने को और फिर हर इकाई के व्यापक के अस्तित्व में होने को देख पाना वो अनुभव की जगह है उसकी शुरुआत यह है कि मैं अपने होने को दृष्टा के होने को व्यापक के अस्तित्व में संप्रक्त और संतृप्त होने को देख पाता हूं। तो ये तीन जगह है जहां पर अपने को मुख्य रूप से काम होना है एक तो कौन सा भाव हमारे लिए सहज है सुखद है इसको देख पाना वो कंटेपलेशन की जगह पर काम शुरू हो गया कौन सी स्वीकृति हमारे लिए सहज है सुखद है इसको देख पाना तो संबंध व्यवस्था से अस्तित्व का स्वीकृति ही हमारे में सहज है सुखद है वही हमारा संस्कार होना बनता है इसको देख पाना ये अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है और दृष्टा की जगह से रहते हुए व्यापक वस्तु पर ध्यान देना व्यापक के अस्तित्व में अपने होने को ध्यान देना उसको देख पाना कि व्यापक के अस्तित्व में ही मैं सम भी हूँ और फुलफिल्ड भी हूँ संपृक्त भी हूँ और संतृप्त भी हूँ वो अनुभव को स के अनुभव को को एग्जिस्टेंस में अनुभव की रियलाइजेशन को शुरुआत है ये तीन बातों पर अब ध्यान जाना हम लोग का शुरू होगा तो इतने पर अभी काम करिए अगले महीने तक इसके आधार पर फिर बहुत सारे और बातें हम लोग निष्कर्ष के रूप में देख पाएंगे उसको आगे के सत्र में हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में मुझे यह कहना है कि इस काम को करने के दृष्टि से जैसा मैंने अभी बीच में इंगित किया था कि अभ्यास एक और अभ्यास दो तो पर एक रिग्रस काम होना जरूरी है उससे हमको ये दिखता है कि ये इतनी बातें जो बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं वो कोई हाइपोथेटिकल नहीं है या बहुत कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बल्कि हम इसमें ठीक से काम कर सकते हैं हर आदमी इस पे काम कर सकता है और काम करते हैं तो उसका एक है ना उपलब्धि हमको अपने में होने लगती है तो जो लोग भी अभ्यास एक और दो पर काम करते रहे हैं मॉर्निंग सेशन में जुड़े हैं उनका ये एक्सपीरियंस है कम या ज़्यादा तो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो बहुत अच्छा अगर हमने नहीं ज्वाइन किया है तो आज से वो सत्र शुरू हुआ है ना तो उसको जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लें अभी जो हम लोगों ने पोल किया था उसमें जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसमें से तेईस लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो मॉर्निंग सेशन किया नहीं है कभी या अभी नहीं कर रहे हैं मतलब तो दोनों ही है तो उस उन लोगों को तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए उन तेईस लोगों को कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया है तो उनका पता नहीं है क्या स्थिति है तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग अभी तक कर रहे हैं उसको इंटेंसिवली अपने पर काम करना चाहिए अभ्यास एक और दो के थ्रू जो नहीं कर रहे हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए संयोग की बात है कि आज से ही वो नया सत्र शुरू हो रहा है तो हम तो लोगों ने बात यहां से शुरू की कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है जिसके लिए समझ संबंध और सुविधा इन तीनों की आवश्यकता है और ये संक्रमण हमारे में हो जाए जहाँ हम अभी सिर्फ सुविधा के दायरे में जी रहे हैं उससे फैलकर यदि हम समझ संबंध और सुविधा तीनों को सही वहीता के साथ सुनिश्चित कर पाए तभी हमारा विकास हो पाता है इस क्रम में देखते हैं पूरे अस्तित्व को तो दिखता है कि पूरे अस्तित्व में मानव के अलावा बाकी हर इकाई व्यवस्थित है और सिर्फ मानव तो का व्यवस्थित होना है और मानव में भी ये दिखाई देता है कि सहज स्वीकृति तो इसके लिए बनी हुई है व्यवस्था के प्रति संबंध के प्रति सह के प्रति सहज स्वीकृति बनी हुई है ये काम चैतन्य तो इकाई के द्वारा चैतन्य में होना है और इसके लिए ऑलरेडी अगर हम देखें तो अस्तित्व में इसकी व्यवस्था भी बनी हुई है हम ध्यान देते हैं हमको बात समझ में आती है और इसलिए मूल काम देखें तो अपने ऊपर करना ही है तो ये भी दिखता है कि जो अस्तित्व है वह संबंध व्यवस्था पूर्वक है इसके लिए मेरे अंदर सहज स्थिति पहले से ही है और मुझे सिर्फ समझना है इसको और जीना है तो ये अपने आप में बहुत आराम की बात है ये अपने आप में देखने तो बहुत आराम की बात है कि हमें कोई नए सिरे से कोई चीज गढ़नी नहीं है सिर्फ जो पहले से है जिसके लिए मेरे अंदर सहज स्वीकृति बनी हुई है उसको सिर्फ देखना है समझना है मेरी आवाज तो मेरी आवाज तो स्पष्ट आ रही है जी भैया जी तो इस पूरे अस्तित्व में मानव और मानव में भी चैतन्य इकाई में काम होना है और चैतन्य इकाई में भी सहज स्वीकृति पहले से बनी हुई है सिर्फ उस और ध्यान देना है और उसको जी कर देखना है तो एक छोर पे हमें स्वयं में अनुभव के लिए काम करना है दूसरे छोर पर हमें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है इसी क्रम में हमने देखा कि हमारे जीने का केंद्र कहाँ है उसको तो दिखता है कि सबसे स्थूलतम स्तर जो जीने का है वो सुविधा है जहाँ हम सिर्फ सुविधा संग्रह सुविधा भोग को ही सुख मानते हैं और उसी में सारी कल्पनाशीलता हमारी केंद्रित रहती है उससे थोड़ा बारीकी से देखते हैं और सूक्ष्मता से तो देखते हैं तो शरीर की ओर ध्यान जाता है और कम से कम मानव को पहचानना शुरू करते हैं उससे पहले हम सुविधा में ही सब कुछ देखते हैं तो शरीर की ओर ध्यान जाता है और बारीकी से देखते हैं तो एक शिफ्ट मिलता है और हम संवेदना की ओर थोड़ा ध्यान दे पाते हैं और हमें पता लगता है कि हम कहीं संवेदना से सुखी होने में फंसे हुए हैं और दूसरे से भाव पाने में सुखी दूसरे से भाव पाकर सुखी होने में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं तो दिखता है कि एक परतंत्रता है क्योंकि हमारे सुख का स्रोत बाहर बना हुआ है या तो किसी अनुकूल संवेदना से सुखी होने का प्रयास करें या दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने का प्रयास करें मेरे सुख का स्रोत तो बाहर ही और मैं परतंत्र हूँ इसकी कोई तृप्ति बिंदु नहीं है निरंतरता नहीं है निश्चितता नहीं है अगर हम लोग अपनी स्थिति को देखें तो ऐसा हमें लग सकता है कि हम छह और पाँच से तो थोड़ा पार पाए हैं परंतु ये फोर और थ्री बी में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और इस पर अपने में काम करने की जरूरत है इससे अगला जो शिफ्ट मिलता है वो ये तब मिलता है जब हमको लगता है कि मुझे स्वयं में ही सही भाव सुनिश्चित करना है क्योंकि तो जब तक दूसरे से भाव पाकर सुखी होने की आशा लगी हुई है तब तक

अभ्यास दो में शरीर से जो मिलने वाली संवेदना है उसको जो दिए जाने वाला मेरा अर्थ है मेरे अपने संस्कारों के आधार पर उन संस्कारों पर काम कर पाते हैं उसके आगे जो करने का काम है कि मैं अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग हो पाता हूँ अपने भाव विचार आशा के प्रति सजग हो पाता हूँ और ये भी दिखता है मुझे कि भाव के मूल में संस्कार है तो मैं अपने संस्कारों के प्रति सजग हो पाता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी स्वीकृतियां बनी हुई है मान्यताएं बनी हुई है तो मुझे काम करने की जरूरत है और आगे बढ़ते हैं तो साक्षी भाव की जगह से देख पाते हैं अस्तित्व को तो ये जो शिफ्टिंग है प्राइमरली देखें यदि हम जो सबसे ऊपर का ब्लॉक है टू सी टू बी और टू वे को जिसमें रखा गया है अगर हम उसमें ठीक से काम कर पाते हैं तो हमारा विकास हो पाता है किसी के विस्तार में गए तो दिखता है कि अगर सिर्फ हमारी दृष्टि सुविधा की है तो लाभ की दृष्टि बनी हुई है शरीर भी ध्यान जा रहा है तो शुभ की दृष्टि बनी हुई है संवेदना को हम कम से कम ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ सुख की आशा बनी है तो प्री की दृष्टि बनी हुई है बट जो और ऊपर का काम है थ्री बी थ्री ए टू सी टू बी और टू वे इस पे हमें ठीक से काम करने की जरूरत है इसमें भी जो मूल काम है टू सी टू बी और टू वे के लिए है और इसमें मैं कहूँगा कि हमें सूचना तो मिल जा रही है प्रस्तावों तो के आधार पर अब इसमें करने के लिए गहनता से बहुत सारा काम है अपने संस्कारों में झांकने का संस्कारों में जाकर देख पाने का कि कोई संस्कार कैसे बना हुआ है कैसे निर्मित हुआ है और वहाँ पर सही भाव क्या है वहाँ पे वास्तविकता क्या है ये अपने लिए करने के लिए काम है तो अगर हम कल्पनाशीलता के प्रति सजग हो पाते हैं उसी में तो मैं अपने प्रति अवेयर हो पाता हूँ और फिर मैं अपनी सहसि को देखने का अभ्यास भी कर पाता हूँ और रिएक्शन की जगह मेरे रिस्पॉन्स की स्थिति बनती है और आगे जाके देखते हैं तो मैं संबंध व्यवस्था और को की ओर ध्यान दे पाता हूँ और यहाँ से मेरी समझ की शुरुआत हो पाती है उसकी संभावना बनती है जब मैं शुद्ध दृष्टा के रूप में देखता हूँ अपने आप को तो मैं अपनी सहज स्वीकृति के प्रति पूरी तरह से सजग हो पाता हूँ और वहां से मैं अपने नीचे क्रियाओं को देखता हूँ बिना रिएक्ट हुए उनमें परिमार्जन के लिए और यहाँ से बन सकती है कि मैं अब शून्य में अपने आप को देख पाऊ तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ तो मैं एक शुद्ध दृष्टा के रूप में अपने भाव प्रतिशत बने रहते हुए देखता हूँ और निर्वाह करता हूँ और मैं हमेशा ही अनुक्रिया करता हूँ स्पॉन्ड करता हूँ तो प्रतिक्रिया नहीं करता और यहाँ पे मुझे स्वयं में करने के लिए ठीक से कार्यक्रम स्पष्ट हो पाता है कि मुझे अपने ऊपर किस तरह से काम करना है तो ब्लॉक बी टू से ब्लॉक वी वन में जो शिफ्टिंग है अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ जाकर होना शुरू होता है जब हम टू में होते हैं तो इतनी बात कही गई है प्रस्ताव के रूप में इसको हम सभी को स्वयं में देखना है इसके लिए स्वयं में बारीकी से काम करना है और ये बात हमें ध्यान में रहे कि देखने का अर्थ जीना भी है तो जब हम स्वयं में देख रहे हैं तो जिएंगे भी अगर जीना नहीं हो पा रहा वैसा तो कहीं ना कहीं देखने के स्थान पर हम विचार मात्र कर रहे हैं और जब जिएंगे तो परस्परता में भागीदारी भी करेंगे कार्यक्रम भागीदारी भी करेंगे और ये सहज रूप से दिख भी रहा है कि जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर पा रहे हैं उतना हम सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और उतना हम टीम के साथ जुड़कर काम भी कर पा रहे हैं और आप एक अच्छी बात ये भी देखेंगे कि जितना जितना हम टीम के साथ इंटेंसिवली जुड़कर काम करने का प्रयास करते हैं मुझे अपने गहरे संस्कारों का पता लगता है इस प्रक्रिया में तो मैं अपने आप को भी देखता हूँ और मैं कहूँगा कि हम सभी साथ इस बात को देख पा रहे होंगे कि हमारे कई सारे गहरे संस्कार हैं जो कई बार हमारे स्वयं में ध्यान में नहीं आते परंतु तो जब हम संबंध में निष्ठापूर्वक जीते हुए कार्यक्रमों की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए उसमें अपना तन मन धन लगाते हुए अर्पित होते हैं तो उन संस्कारों पर काम करने का अवसर मिलता है और ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है अगर हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तभी हम जाकर शुद्ध दृष्टा के रूप में वास्तविकता को देखने की स्थिति में आने की संभावना को भी बना पाती हैं तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए है ना धन्यवाद भी है और आगे साथ साथ काम करने के लिए आमंत्रण भी है इतनी बात मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा जी